नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज हुकूमत के लिए आफत बन गई। सीनियर सहाफी कामरान खान ने हुकूमती सफों में हलचल का पोल खोल दिया। कामरान खान का कहना था कि हुकूमती हलकों में आफत मची हुई है कि नए चीफ से मुतालिक समरी नहीं आ रही। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्ला और शाहिद खाकान अब्बासी फुल झड़ियां छोड़ रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए सेक्रेटरी दिफा की समरी की कोई जरूरत नहीं। नामवर सहाफी ने मजीद कहा, इन लोगों का मानना है कि वजीर आजम जब चाहें किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगा सकते हैं और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से पहले के हालात याद कराते हुए तंज किया। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल वैसे ही नया चीफ तैनात कर सकते हैं जैसे नवाज शरीफ ने जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाया था। कामरान खान ने वजीर आजम के मुसलसल बैरूनी दौरों पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि इस शदीद परेशान कुन और मुश्किल सूरत हाल में वजीर आजम शहबाज शरीफ दो रोजा दौरे शर्मुल शेख, छह रोजा दौरे लंदन, फिर तीसरी बार कोरोना का शिकार होने पर पूरे दो हफ्ते अमूरे मुमलकत से गैर हाजिर रहे। कल उनकी सेहतयाबी की खबर आई और आज ऐलान हो गया कि मौसूफ इसी हफ्ते तुर्की के तीन रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वाह भाई, नौकरी हो तो ऐसी हो।